हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है स्टीम कंडेंसर। फ्रेंड्स, स्टीम कंडेंसर को हम दो सब्जेक्टों में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मल इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर हम स्टीम कंडेंसर की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर भी हम स्टीम कंडेंसर की स्टडी करते हैं। तो एग्जाम पर्पज से यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो इसको आप समझना चाहते हैं, इसके डायग्राम को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है और डायग्राम बने हुए हैं, ये डायग्राम फ्रेंड दोनों हम जूम करके आपको समझाएंगे, जिससे हर एक वर्ड को आप अच्छी तरह पढ़ सकें। यहां पर जो डेफिनेशन लिखी उसको भी समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो टॉपिक लिखा उसको समझते हैं। जैसा यहां पर लिखा है स्टीम कंडेंसर, तो जो स्टीम लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसको हम जानते हैं कि वाटर को गर्म करके हम उस वाटर को किस में, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो यह स्टीम रहती है कहीं ना कहीं यूज करते हैं हम इसका, इसका किसी ना किसी पर्पज से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टीम को कंडेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज करते हैं। किसका? कंडेंसर का यूज करते हैं। कंडेंस मींस होता है फ्रेंड्स कि स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करना। क्या होता है? स्टीम को फिर से वाटर में कन्वर्ट करना। वह कौन काम करता है? कंडेंसर काम करता है। मतलब कंडेंसर का यूज समझ में आ गया होगा कि जो स्टीम रहती है उसको वाटर में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और कहां पर पड़ती है, और क्यों स्टीम में कन्वर्ट, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, ये समझते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्टीम पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर जो टर्बाइन मूव होते हैं, उस टर्बाइन को हम स्टीम से मूव कराते हैं। लेकिन जो स्टीम वायर रहती है वह कैसी रहती है? हाई प्रेशर स्टीम रहती है। हाई प्रेशर स्टीम क्या क्या करती है? जो हमारे ब्लेड रहते हैं टरबाइन की, उस पर इंपैक्ट करती है, उससे टकराती है। तो उससे क्या, टरबाइन मूव होता है। टकराने के बाद जो स्टीम रहती है वह क्या होती है, वहां से बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाता है, मतलब लो प्रेशर स्टीम हो जाती है। वह इस तरह की स्टीम बन जाती है, लो प्रेशर मतलब होता है वह जो टरबाइन उसको मूव कराने के काम की नहीं रहती है। ठीक है, तो उस स्टीम वेस्टेज हो जाती है, उसको कहां, एटमोसफेयर में छोड़ा जाता है। तो एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो क्या होगी, स्टीम वेस्ट हो जाएगी। तो उस वेस्टेज को बचाने के लिए, मतलब जो स्टीम वेस्ट हो रही है वायुमंडल में उसको बचाने के लिए तथा उसको फिर से यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंडेंसर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टीम वेस्ट होती है जिसको हम बाहर एग्जिट करते हैं वह कैसी होती, लो प्रेशर स्टीम होती। कैसी होती? लो प्रेशर स्टीम। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि कंडेंसर क्या करता, उस लो प्रेशर की स्टीम को लेता है और फिर से क्या करता है, उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है। उस वाटर में कन्वर्ट करके उस वाटर को फिर से बॉयलर में भेजता है। फिर से वहां बॉयलर में क्या होती है, स्टीम में बॉयलर क्या होती है, बॉयलर क्या करता है, स्टीम में कन्वर्ट करता है वाटर को। तो वहां से फिर से वह वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, इस तरह साइकिल चलती रहती है। तो फ्रेंड, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कंडेंसर का यूज कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। अब फ्रेंड्स, डेफिनेशन जैसा मैंने समझाया वैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते। अब ये जो डायग्राम बने इनको मैं वन बाई वन समझाऊंगा। यहां पर एक हिंदी में बना हुआ है इसको भी समझाऊंगा, लेकिन इंग्लिश में बना उसको भी समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक डायग्राम बना है, इसको सबसे पहले समझते हैं इसके पार्ट्स। तो यहां पर सी लिखा है, ये क्या होता है, कंडेंसर होता है। सी मीन्स कंडेंसर। यहां पर फ्रेंड्स जो फुल फॉर्म लिखे हुए इसके पढ़ भी सकते, लेकिन मैं भी यहां डायरेक्ट समझा देता हूं। सी मीन्स होता है कंडेंसर। कंडेंसर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहां होता है, स्टीम टरबाइन। स्टीम मीन्स स्टीम टरबाइन। ठीक है फ्रेंड्स, स्टीम टरबाइन से क्या होता है, यहां से हाई प्रेशर स्टीम आती है और यहां पर एग्जिट होती है लो प्रेशर स्टीम। तो लो प्रेशर को स्टीम डायरेक्ट कहां भेजी जाती है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर क्या होती है, स्टीम कंडेंस होती है, मतलब वाटर में कन्वर्ट होती है। अब वाटर में कन्वर्ट कैसे होती है समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर को सर्क्यूलेट किया जाता है। कोल्ड वाटर मतलब यहां पर क्या होता है, कूलिंग टावर होता है। क्या होता है, कूलिंग टावर होता है। कूलिंग टावर के क्या करता है, यहां से ठंडा पानी क्या करता है, कोल्ड वाटर को भेजता है। यहां पर क्या होता है, पंप लगा रहता है। क्या लगा रहता है, पंप लगा रहता है। जो क्या करता है, वाटर पंप लगा रहता है, जो क्या करता है, यहां से कोल्ड वाटर को कहां भेजता है, इसके अंदर भेजता है। किसके अंदर, ये जो हमारे कंडेंसर रहता है उसके अंदर रहता है। ये जो वाटर रहता है, कोल्ड वाटर हुआ है, क्या करता है, जो यहां से स्टीम आ रही लो प्रेशर सिस्टम, उसको हीट, उसकी हीट को रिसीव करता है। क्या करता है, उसकी हीट को रिसीव करता है, और क्या करता है, उसका अपना वाटर क्या करता है, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, और उसका टेम्परेचर बढ़े हुए टेम्परेचर फिर से कहाँ आता है, सीधा कूलिंग टावर में, फिर से वह ठंडा हो जाता है, फिर से इस तरह साइकिल चलती है। अब कंडेंसर के अंदर क्या हुआ, जो स्टीम आई वह क्या हुई, कंडेंस हुई, मतलब वाटर में कन्वर्ट हुई। उस वाटर को यहाँ पर एक कंडेंसर पंप लगा रहता है। क्या होता है, जो कहते हैं कंडेंसिंग पंप लगा रहता है, जो कंडेंस की हुई स्टीम, मतलब जो वाटर कन्वर्ट हो गया
उस वाटर को यहां से खींचता रहता है, यहां से खींचता है, तो वह वाटर क्या आता है, हॉट वेल। एस डब्ल्यू मीन्स होता है हॉट वेल। ये हॉट वेल एक पात्र होता है, उसके अंदर भर जाता है, और जिस वाटर का फिर से हम रीयूज कैसे करते हैं, जी यहां पर क्या लगा रहता है, एक वाटर फीड पंप लगा रहता है। क्या होता है, बॉयलर फीड पंप। क्या होता है, बी मीन्स बॉयलर, एफ मीन्स फीड, पी मीन्स पंप। बॉयलर फीड पंप रहता है जो क्या करता है, इस वाटर को जो हमारा कंडेंस होके आया उसको खींचता है और सीधा कहां भेजता है, बॉयलर के अंदर भेजता है। बॉयलर के अंदर फिर से बॉयलर क्या करता है, स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो यहां से फिर से जो क्या होती है, जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर से स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम यहां से निकलती है, वह स्टीम फिर से स्टीम टरबाइन के अंदर आती है, और यहां से फिर से क्या कोई टरबाइन को मूव कराती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जो स्टीम वेस्ट होती है वह उसको फिर से कंडेंसर में भेजा जाता है। तो इस तरह ये साइकिल फ्रेंड्स चलती रहती है। अब इसमें एक और यहां पर क्या लगा रहता है, एयर पंप लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एयर पंप, जो स्टीम की एयर होती है उसको बाहर की ओर खींचता है। ठीक है, वो जो जब ये बाहर की ओर खींचता है तो इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब होता है ये क्या करता है, ऊपर से क्या करता है, स्टीम को नीचे की ओर खींचता है वैक्यूम क्रिएट होने के कारण। तो इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। अब इसका एक और डायग्राम हिंदी का, उसका भी उसको भी समझ लेते हैं, फिर इसके टाइप्स को समझेंगे। तो फ्रेंड डायग्राम एक ही है, दोनों की वर्किंग एक ही, सब कुछ एक, सिर्फ यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं रिपीट करने के मूड में हूं कि आप एक बार रिपीट करूंगा जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। तो ये सारे पार्ट्स हैं, आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक स्टीम कंडेंसर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, स्टीम कंडेंसर, जिसका काम होता है टर्बाइन से आने वाली लो प्रेशर स्टीम को कंडेंस करना, मतलब वाटर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर एक टर्बाइन रहता है जिसका जो एरो दिख रहा है वहां, मतलब टर्बाइन से क्या हो रही है, एग्जिट होगी स्टीम, कहाँ डायरेक्ट कहा नहीं, कंडेंसर में आ रही। कंडेंसर के अंदर क्या होती है, स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है, इसके अंदर क्या होता है, ठंडा वाटर सर्कुलेट किया था, कहां से, यहां पर क्या लगा रहता है, वाटर कूलर लगा रहता है, ठीक है, या कोल्ड टावर लगा रहता है, वाटर टावर, ठीक है। उसके अंदर से क्या करता है, यहां पर एक क्या रहता है, वाटर पंप लगा रहता है, वो यहां से ठंडा पानी खींचता है और सीधा कहां भेजता है, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर वह वाटर जाता है स्टीम से, क्या करता है, हीट को रिसीव करता है। स्टीम के अंदर मतलब मिक्स हो जाएगा, तो मतलब होता है हीट को रिसीव करना, ठीक है। तो वाटर गर्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म होगा तो फिर से कहां पहुंचता है, ये कूलिंग वाटर पहुंचता है, फिर से ठंडा होता है। यहां पर जो स्टीम कंडेंस हुई वो कहां, नीचे की ओर आती है। नीचे की ओर कैसे आती है, यहां पर क्या एक एयर पंप लगा रहता है। एयर पंप क्या करता है, स्टीम की एयर को बाहर की ओर खींचता है, उसके अंदर क्या होता है, यहां क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होता तो यहां से जो हमारी टरबाइन है वहां से जल्दी जल्दी क्या, स्टीम को नीचे की ओर खींचता है। तो यहां पर क्या रहा है, कंडेंसेट पंप लगा। कंडेंसेट पंप क्यों नाम रखा गया, क्योंकि यह जो कंडेंस की हुई स्टीम को नीचे की ओर खींचता है। तो जो स्टीम कंडेंस हो जाती है, जो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वह इसको खींच के कहां ले जाता है, हॉट वेल में ले जाता है। हॉट वेल क्या होता है, पात्र होता है जिसके अंदर वाटर को भरा जाता है। तो ये वाटर इसके अंदर भरता है। यहां पर लगा रहता है एक बॉयलर फीड पंप लगा रहता है, जो इस कंडेंस की हुई स्टीम को या जो वाटर बन जाती है स्टीम, उसको सीधा कहां, बॉयलर के अंदर भेजता है। बॉयलर का काम होता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। तो वह जो स्टीम कहां, जो सॉरी, जो वाटर कहां पहुंचा, बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर फिर से हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है, किसके अंदर, टरबाइन के अंदर आती है। फिर वहां से उस टरबाइन के अंदर क्या होता है, जो स्टीम होती लो प्रेशर स्टीम हो जाती है। लो प्रेशर स्टीम समझा चुका हूं कैसे हो जाती है। जो हाई प्रेशर स्टीम क्या होती है, टरबाइन के ब्लेड्स पे इंपैक्ट करती है, उसके बाद जो एग्जिट होती है स्टीम वहां से टरबाइन के ब्लेड के बाद, वह कैसी हो जाती है, स्टीम वेस्टेड हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाता है, वह यूज के काम की नहीं रहती है। तो उसका हम यूज करते हैं कहां, कंडेंसर के अंदर कंडेंस करने के लिए। तो इस तरह क्या होती है, जो हमारा प्लांट रहती है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है और हमारी स्टीम वेस्ट नहीं होती है। अब यह कितने टाइप्स की होती है थोड़ा समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर लिखा है, ये जो स्टीम कंडेंसर होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक जेट कंडेंसर होता है, एक सरफेस कंडेंसर। ठीक है फ्रेंड, ये मिक्सिंग टाइप कंडेंसर भी बोलते हैं जेट कंडेंसर को, सरफेस कंडेंसर को नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर बोलते हैं। इन दोनों कंडेंसर के ऊपर हम क्या करेंगे, ये सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि जेट कंडेंसर लिखा फ्रेंड्स, जेट कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जो स्टीम का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट वाटर से कराया जाता है। तो इस तरह क्या होती है, स्टीम डायरेक्ट वाटर से कॉन्टेक्ट में आती तो एक दूसरे से मिक्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, जो स्टीम रहती है वह किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन सरफेस कंडेंसर में क्या होता है, इसमें स्टीम का वाटर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। इसमें क्या रहता है, जो कुछ ट्यूब्स यूज करते हैं, ट्यूब्स की है तो ट्यूब्स के अंदर से वाटर मूव कराया जाता है, या फिर स्टीम को कहां से, बाहर से मूव कराया जाएगा। जो क्या होगी, स्टीम जो ट्यूब्स की बाहर की सर्फेस से कॉन्टेक्ट में आएंगी तो स्टीम क्या होगी,
ठंडी होगी, मतलब टेम्परेचर लो हो जाएगा और वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर क्या होता है ट्यूब्स के अंदर से स्टीम को फ्लो कराया जाता है, ट्यूब के बाहर से वाटर को फ्लो कराया जाता है, ऐसे भी स्टीम कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों टाइप्स के, इनके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा फ्रेंड्स। पर ये वाला जो इंट्रोडक्शन था, वह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।